रतलाम में बीती रात दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर ट्रेन से टकराकर एक यात्री की मौत हो गई। इसी दौरान रतलाम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार कुछ यात्रियों ने सीआरपीएफ जवान पर यात्री को ट्रेन से धक्का मारने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। आरोप को लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सीआरपीएफ जवान पर ट्रेन में सवार यात्री आरोप लगा रहे हैं कि इस वाले पुलिस वाले ने ट्रेन से एक आदमी को धक्का दे दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद मामले में दीनदयाल नगर थाना पुलिस और आरपीएफ जांच में जुटी हुई है। बीती रात पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन में सवार एक यात्री अजीत सिंह निवासी अमृतसर की दहौद भोपाल ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। उसी दौरान जब पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन रतलाम रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो कुछ यात्रियों ने आरपीएफ जवानों पर यात्री को ट्रेन से धक्का देने का आरोप लगाया और आरपीएफ जवान के भागते हुए वीडियो भी बनाए। रतलाम पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक अजीत सिंह और उनका साथी सुखविंदर सिंह मुंबई से अमृतसर के लिए यात्रा कर रहे थे। रतलाम के पहले आउटर पर ट्रेन रुकने के दौरान दोनों ट्रेन से नीचे उतर गए मृतक अजीत सिंह दूसरे ट्रैक पर आ रही ट्रेन के चपेट में आ गया। वहीं जब ट्रेन रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो कुछ यात्रियों ने आरपीएफ के जवान पर यात्री को ट्रेन से धक्का दे देने का सनसनीखेज आरोप लगाया, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहरहाल इस मामले में दीनदयाल नगर थाना पुलिस और आरपीएफ मृतक के साथी सुखविंदर एवं आरपीएफ जवान पूछताछ कर मामले की वास्तविकता का पता करने में जुटी हुई है। वही मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज में रखवा कर मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। एक पुलिसकर्मी है जिसको आसपास लोग जो उसको रोक के उससे बातचीत कर रहे हैं। चूंकि अभी प्रथम दृष्टया हमारी जो मर्ग जांच में बात सामने आई है कि दो व्यक्ति हैं जो सफर करते हुए यहाँ से जा रहे थे, प्रथम दृष्टया ये बात भी सामने आई है कि उन लोगों ने शराब पी रखी थी और शराब के दौरान वो कहीं वहाँ उतर के और ट्रेन से उनका एक्सीडेंट हुआ है। ये प्राथमिक तौर पर चीजें सामने आई हैं। ये जो मृतक है उसके साथ में जो व्यक्ति था उसको भी पूछताछ के लिए रेलवे पुलिस लेकर गई है। पूछताछ में प्राथमिक प्रथम दृष्टया चीजें सामने